subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज जब किस वीडियो को बताने वाले हैं तो अगर आप देख रहे हैं इस खबर को तो आप जरूर देखिए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आज इस वीडियो को बनाए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया, पर आपको बता दें कि 59 चीनी ऐप जितना खतरा था उससे कोई गुना ज़्यादा जो खतरा है टू कॉलर ऐप है। आज चलिए जानते हैं इस टू कॉलर ऐप के बारे में कि कितना ज़्यादा घातक है। आपने टू कॉलर का नाम तो ज़रूर सुना है, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। यह दरअसल एक कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है, जिसका मुख्य काम यह है कि कॉलर आईडी बताना, यानी किसी भी फ़ोन नंबर के मालिक का नाम बताना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टू कॉलर को कैसे पता चलता कि कौन सा नंबर किसका है, तो इसके पीछे दरअसल आप और हम जैसे लाखों यूजर की कीमती डाटा है, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही वाला जानने की कोशिश करेंगे कि टू कॉलर का उपयोग करना कितना घातक हो सकता है और क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चाहिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप महाकाल टैग में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह के यूज़फुल और टेक्नोलॉजी की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप सतर्क रहे, सावधान रहे और आप भी ऑनलाइन डिजिटल वर्किंग कर सकें। टू कॉलर एक कॉलर आइडेंटिटी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है, जिसे स्वीडन कंपनी जिस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। यह एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और सैमसंग विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। टू कॉलर का बेसिक काम है कि कॉलर जो क्वालिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉलर की पहचान करना। जब आपके पास किसी अनजान व्यक्ति के कॉल आते हैं तो टू कॉलर आपको बता देता है कि वह नंबर किसका है। साथ ही अगर आप किसी नंबर को स्पैम के रूप में चिन्हित कर देते हैं तो उस नंबर से आने वाले कॉल को ब्लॉक कर देता है। टू कॉलर का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने फ़ोन में टू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है, और जैसे ही आप इसे परमिशन देते हैं, यहाँ आपके सारे कॉन्टैक्ट को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेती है और पूरी दुनिया को बांट देती है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो परमिशन को अलाउ ही मत करो, पर समस्या यह है कि जब तक आप परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक यह ऐप काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको टू कॉलर ऐप यूज़ करना है तो इसे कॉन्टैक्ट की परमिशन देनी ही पड़ेगी, यह एक अनिवार्य है। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन में टू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो आपके सारे कॉन्टैक्ट टू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे, फिर चाहे आप ऐप को यूज़ करें या फिर ना करें, अपने फ़ोन में रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट टू कॉलर के सर्वर पर मौजूद रहेंगे। आज तक जितने भी लोग ने टू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल किया है उन सब के कॉन्टैक्ट टू कॉलर के सर्वर पर मौजूद है, और इन्हीं कॉन्टैक्ट की मदद से टू कॉलर आपको कोई भी अनजान नंबर की जानकारी देता है, जो कि एक बहुत ही टू कॉलर के ऑन लिस्ट एक बहुत ही कड़ी है। जब आप किसी अनजान नंबर को टू कॉलर पर सर्च करते हैं तो उसकी जानकारी इन्हीं कॉन्टैक्ट के बदौलत दी जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टू कॉलर के पास कितने सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होगी। अगर आप अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस वक्त टू कॉलर ऐप के 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, और 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। यानी अब अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र के फ़ोन में कम से कम 200 से 250 कॉन्टैक्ट भी रखा है तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट होंगे। चलिए 200-500 नहीं, 100 ही मान लीजिए। अगर एक फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट ही रहते हैं तो 50 करोड़ फ़ोन में सिर्फ अगर आप कॉन्टैक्ट होंगे तो आप देख सकते हैं कि 50 अरब कॉन्टैक्ट तो सिर्फ अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में है। सोचिए अगर iOS, ब्लैकबेरी, सैमसंग और विंडोज़ को भी मिला ले तो कितना कॉन्टैक्ट होंगे। कम से कम 60 से 70 अरब कॉन्टैक्ट को आराम से हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें, अगर आप सिर्फ एक अनुमानिक आंकड़ा है, दरअसल टू कॉलर के पास अरबों लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मेरा मतलब सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि घर का पता, लोकेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की पूरी जानकारी इसमें शामिल है। अगर आप टू कॉलर ऐप यूज़ करते हैं तो आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल करते समय आप भी देखे होंगे टू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको आप पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ सकते हैं, उसमें यह सारी चीज़ विस्तार से लिखा है, जिसमें आपको लिखा है कि अगर आप सोचते हैं कि टू कॉलर द्वारा दी गई जानकारी 100% सही होती है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि
ट्रूकॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वो सब यूजर्स के फ़ोन से ली गई। इसीलिए कई बार ट्रूकॉलर सर्च के दौरान मम्मी पापा भैया अंकल या ताजी जैसा नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रूकॉलर ने जिस फ़ोन से उस कॉन्टैक्ट उठाया है उस फ़ोन में इसी नाम से सेव था। अगर आप ट्रूकॉलर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने फ़ोन में कोई नंबर पापा के नाम से सेव है तो ट्रूकॉलर उस नंबर को पापा के नाम से ही दिखाएगा, जब तक कि किसी दूसरे फ़ोन के नंबर से उस नंबर के ऑनर का सही नाम ना मिल जाए। कैसे? आपको पता है कि मान लीजिए आपके पास पिताजी का नाम रवि वर्मा है और उसका मोबाइल नंबर कोई भी है जिसे आपने अपने फ़ोन में पापा के नाम से सेव करते हैं। अगर आप अपने इस नंबर को ट्रूकॉलर पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको यह नंबर पापा के नाम से शो करेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पापा के दोस्त भी ट्रूकॉलर ऐप इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने यही नंबर रवि भाई या फिर रवि वर्मा के नाम से सेव किया है, तो ट्रूकॉलर इस नंबर को रवि वर्मा के नाम से दिखाएगा, क्योंकि ट्रूकॉलर का जो है एल्गोरिथम जो है नेम और सरनेम की पहचान कर सकता है और पहले से ही सेव नंबर को अपडेट भी कर सकता है। तो अगर आप कोई नंबर कोई सारे ट्रूकॉलर यूजर्स के फ़ोन में सेव है तो आपको उस नंबर को ऑनर की सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर वही नंबर सिर्फ एक व्यक्ति के फ़ोन के सेव है तो वही ऑनर की सही जानकारी मिलना बहुत ही बड़ा एक मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ फ़ोन की वही जानकारी दिखाएगी जो उस व्यक्ति के फ़ोन में सेव है। अगर उसे दीपक गोयल या फिर दीपक गोस्वामी के नाम से व्यक्ति का नंबर भैया के नाम से सेव है तो बस वहीं से करेगा। आपको बता दें कि ट्रूकॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट को पब्लिक सार्वजनिक कर देता है जिससे हर कोई आपके कॉन्टैक्ट को देख सकता है। अगर आप कहेंगे इसमें कौन सा खतरा है तो चलिए आपको बता दें खतरा आखिर क्या है। मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के लोग विशेष महिलाओं के नंबर भी सेव है जो कि ट्रूकॉलर के सार्वजनिक कर रखे हैं। अब कल को अगर आपकी बहन या बेटी का नंबर किसी मंचल आशिकी का हाथ चल गया तो सोचिए क्या होगा। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ निठल्ले लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वही दिन भर ट्रूकॉलर पर लड़कियों के नंबर भी ढूंढते रहेंगे। वही अलग अलग नंबर को सर्च करते रहते हैं और जो नंबर किसी लड़की के नाम से मिलता है उस पर फ़ोन कर तंग करते हैं। वैसे में आप कानून का भी मदद ले सकते हैं और आप पुलिस को भी कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई भी मंचल अगर आपको तंग करें तो आप डायरेक्टली कानून से सहायता ले सकते हैं। ट्रूकॉलर आपकी प्राइवेसी का खुला खुला हनन करता है, खुल्लम खुल्ला हनन करता है, क्योंकि आपके इसकी परमिशन दे रखी है। साथ ही आप ट्रूकॉलर के टर्म एंड कंडीशन यानी कि नियम और शर्तें से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रूकॉलर आपके फ़ोन से कौन कौन सी जानकारी एक्सेस करता है? अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं है। ट्रूकॉलर आपके फ़ोन में कितनी तरह की जानकारी एक्सेस करते हैं अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही क्योंकि आपसे हुए अपने डाटा, ईमेल आईडी और भी अलग अलग जितने भी प्राइवेसी है आपसे वे अपने अलाव करने को मांगते हैं, उसके बाद ही जो है आप उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में ट्रूकॉलर का विकल्प क्या है? अगर देखा जाए तो ट्रूकॉलर का विकल्प कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि ट्रूकॉलर का विकल्प खुद ट्रूकॉलर ही है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। एक तरीका है जिसकी मदद से आप बिना किसी रिस्क के ट्रूकॉलर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहता हूं कि आपके पास महीने भर का कोई भी अनजान नंबर कितने कॉल आते होंगे। मेरे पास तो मुश्किल से 2 या 3 कॉल आते होंगे। कोई भी कंपनी अगर आप 3 नंबर जानकारी के लिए ट्रूकॉलर मोबाइल ऐप यूज़ करूं तो आप सारा डाटा ट्रूकॉलर को दे दूं तो मुझे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको बता दें कि आप जब भी कोई भी ट्रूकॉलर ऐप अगर आप यूज़ करें तो हम तो ये भी कहेंगे आपको कि ट्रूकॉलर ऐप सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब आपको बताऊंगा कि आप ट्रूकॉलर की जगह कौन सा ऐप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ट्रूकॉलर का एक एप्लीकेशन भी है और ट्रूकॉलर का एक वेबसाइट भी है। आप क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में जाकर देख सकते हैं कि ट्रूकॉलर का एक वेबसाइट भी है। इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ट्रूकॉलर वेबसाइट के बारे में। इसके जो इस्तेमाल करता है एक बहुत ही अच्छा है और इसमें आपका कोई भी चीज़ अलाउड नहीं मांगा जाएगा और बिना अलाउ के आप आराम से किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है। इसीलिए ट्रूकॉलर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जिसका आप सुना होगा। और आपको ये भी बता दें कि फ़ोन में ट्रूकॉलर की मोबाइल ऐप नहीं रखना बल्कि ब्राउज़र की मदद से ही इस ऐप को सभी फीचर्स को यूज़ करना है। अब कैसे, ये सिंपल है। आप जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप यहाँ पर ट्रूकॉलर सर्च कीजिए। वो ट्रूकॉलर सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ट्रूकॉलर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कोई भी अनजान नंबर आपको कॉल किया है तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर सर्च बटन पर जाकर आप उस नंबर को डायल करके आप सर्च कीजिए। आपको जो तुरंत उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, आपको तुरंत उसका जानकारी मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है
और जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि इसका मालिक कौन है, इस मोबाइल नंबर का मालिक कौन है। तो यही मैं आपसे सजेस्ट देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रूकॉलर ऐप को यूज़ करते हैं तो आप ट्रूकॉलर ऐप को यूज़ ना करें। आप जो भी अलाव है सभी अलाव को हटा दीजिए, सभी अलाव को बंद कीजिए, और सभी अलाव को बंद करने के बाद आप ट्रूकॉलर ऐप को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है ट्रूकॉलर ऐप। आप अगर ट्रूकॉलर में कोई भी नाम जानना है, कोई भी जानकारी आपको लेना है, तो आप डायरेक्टली ट्रूकॉलर के वेबसाइट पर जाके, यानी गूगल में या फिर क्रोम में जाकर, आप ट्रूकॉलर के वेबसाइट पर जाकर आप ट्रूकॉलर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको आपसे इसमें इससे आपको कोई भी खतरा नहीं है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में, आपको मैंने समझाने की कोशिश की, मुझे आशा है कि मैं आपको समझा सका अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप भी यूज़ करते हैं या फिर नहीं। और दोस्तों मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया है, मैं आपको पहले भी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था, और वीडियो के अंत में भी आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से बहुत बड़ी कारनामा हो सकती है। आपके एक सब्सक्राइबर से हम अपने जानकारी को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी की ओर से हम जागरूक कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि इस जागरूक अभियान में आप भी हमारे साथ रहें, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं होता, एकता में दम है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप महाकाल के इस परिवार में आप भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगली खबर में, अब इतना ही। धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम। धन्यवाद।